शाहपुर थाना क्षेत्र में 2 मार्च की देर शाम किशोरी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रवि कुमार बांसफोर उर्फ राजू पुत्र स्वर्गीय चंद्रमा बांसफोर, कमल कुमार पुत्र जीतन, अरुण कुमार डोम पुत्र भोला डोम, विजय कुमार पुत्र संजय, विशाल कुमार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल, घटनास्थल में एक केन, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर, एक पानी की बोतल व 2 गिलास सहित घटना में प्रयुक्त सामग्री बरामद की गई। पुलिस लाइन में सभागार में घटना का खुलासा करते हुए उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता का वीडियो बनाकर वायरल करने वालों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP जोगेंद्र कुमार ने कहा, और फिंगरप्रिंट्स और DNA सैंपलिंग और ब्लड सैंपलिंग अभियुक्त के कपड़ों से और पीड़िता के कपड़ों से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसकी हम लोग सैंपलिंग कराएंगे, FSL की मदद लेंगे। FSL के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इसको 100% कन्विक्शन कराएंगे इस केस को। इसके लिए हम लोगों ने टीम गठित करी है और प्लस ये लोग जो हमारे विवेचक हैं इनको जो बहुत ही उच्च स्तर की विवेचना के लिए निर्दिष्ट किया गया है कि विवेचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कमी न रहे और इन लोगों के खिलाफ पहले से अवश्य लगेगा। जो अज्ञात और एक लड़का जो क्योंकि रेप के मुजरिम जो थे वो अज्ञात थे जिनका पता नहीं था और ऐसे लोग जो बदमाशी करेंगे और जो ये समझ रहे हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी तो ऐसे लोगों को हम लोग अवश्य ढूंढ निकालेंगे। इस केस में हमने एक दिन से भी कम समय में ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि इस 4 में से 3 लड़के, 4 लड़के मतलब इसमें शादी शुदा है, 5 में से कईयों की शादी अभी भी हुई है, 1.5 महीने पहले, कुछ 2 महीने पहले हुई है। इन सब लोगों को हम लोग NSA में कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोग जेल से बाहर न आए ये इंश्योर करेंगे। NSA की भी कार्रवाई की जाएगी, रजिस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और टोटली साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगी। साथ ही जो जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया और पहचान उजागर की, ऐसे लोगों के लिए और पब्लिक के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि JJ एक्ट जो हमारा है, किशोर न्याय अधिनियम, उसकी 74 धारा पब्लिक के लिए है, एनी पर्सन के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला अपराध से संबंधित जो जुवेनाइल है उन लोगों की पहचान उजागर नहीं कर सकता, ना नाम बता सकता है, ना फोटो चित्रण कर सकता है, ना वीडियो बना सकता है और ना उसे वायरल कर सकता है, इधर उधर भेज सकता है। इसके संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं IT एक्ट में, किशोर न्याय अधिनियम में और पॉस्को एक्ट में। पॉस्को एक्ट की जो धाराएं हैं, पॉस्को एक्ट जो बना है उसमें जो धाराएं 21 और 23 है, यह धाराएं भी इन्हीं से रिलेटेड है कि किसी भी सूरत में जुवेनाइल का या जो पीड़िता है, बच्चा या बच्ची कोई भी, लड़का या लड़की कोई भी, उनकी पहचान उजागर करना और उनकी वीडियो बनवाना या वीडियो वायरल करना ये बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध है। उनके विरुद्ध लिखी पीड़िता की मदद करना चाह रहे हैं वो तत्काल उस तरह से काम करें जो जो कानून के अधीन हो और कानून के अनुसार हो और लोगों के संज्ञान में लाए, इस तरह से नहीं कि और जो पुलिसकर्मी भी इससे सचेत हो जाए, जितने पुलिसकर्मी हैं, कि महिला अपराध के संबंध में कोई लापरवाही बर्दाश्त मैं करूँगा नहीं। पुलिस किसी भी सूरत में महिला अपराध को बहुत ही गंभीरता से ले और उसको गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करें और सही मुलजिमों को शीशों के पीछे, शराबों के पीछे भेजे। यह हम लोगों ने और इस मामले में हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है, संरक्षण अधिकारी का प्रयोग किया है, उनकी भी बयान हम लोग लेंगे ताकि हमारा केस बहुत मजबूत हो सके। एक तरीके से संरक्षण अधिकारी है हमारे, इसमें सुमन शुक्ला जी जो इसमें अलग बाल कल्याण के लिए इसी से संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला और वन स्टॉप सेंटर की अधीक्षिका श्री केंद्र अधीक्षिका है जो केंद्र प्रबंधक पूजा पांडे, इनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया गया पीड़िता के लिए, सपोर्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के लास्ट बिंदु तक साथ में रहेगी, यानी जब तक अभियुक्तों को कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक ये सपोर्ट पर्सन इसके लिए रहेंगी। जहां पीड़िता को जरूरत होगी, जहां मदद की आवश्यकता होगी, इनको हम लोग सपोर्ट पर्सन के रूप में जो नियुक्त की गई है संरक्षण अधिकारी, वो इनकी सपोर्ट करेगी पीड़िता का कंटिन्यूसली और जहाँ आवश्यकता होगी पुलिस को भी, अगर या कोर्ट में भी किसी तरीके के बयान या किसी भी चीज़ें में आवश्यकता होगी, कहीं पर भी मेडिकल और सभी चीज़ों में सपोर्ट पर्सन साथ में रहेगी और सपोर्ट पर्सन की मदद से पीड़िता को न्याय दिया जाएगा। किसी भी सूरत में हम लोग इसमें जो है इन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। थाना शाहपुर अंतर्गत
जो वीडियो वायरल हुआ और दुष्कर्म का जो मामला सामने आया था उसमें सभी लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। इसमें मुख्य अभियुक्त चार हैं और एक उसका सहयोगी है। चारों अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है और सहयोगी अभियुक्त को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें हम लोग जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई है और कार्रवाई करेंगे हम लोग, और पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसमें मुकदमा कायम किया गया, उसके पॉस्को एक्ट की धारा भी लगाई गई है। हम लोग इस मुकदमे में जो अभियुक्त हैं, जो दुष्कर्म के अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई कर रहे हैं और गैंगस्टर लगाएंगे और NSA की कार्रवाई करेंगे, NSA में इनको निरुद्ध करेंगे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर और DNA सैम्पलिंग और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर इनको कन्विक्शन और कन्विक्शन दिलाएंगे और इन पर NSA कायम करके ऐसे लोगों को जेल में ही रखा जाएगा। ये लोग जिन्होंने अपराध किया है अज्ञात थे, इसमें से तीन लोग अज्ञात लोगों को पुलिस ने एक दिन के समय में ही अरेस्ट कर लिया। और कोई भी महिला अपराध से संबंधित अपराधी जो भी अपराध करेगा, महिला अपराध से संबंधित अपराध करेगा, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। और कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सभ्य समाज में रहने का हकदार नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरोधात्मक कार्रवाई भी बहुत ही स्ट्रांग करेंगे इन पे। इन लोगों ने जो बताया है उसके आधार पर पूरी तरह से जो एक रवि नाम के लड़के के साथ पीड़िता गई थी पहले और वो घूमने के लिए गई थी उस समय, और उसने भी उसके साथ दुष्कर्म ही किया है चूँकि लड़की नाबालिग है, और उसके बाद तीन लड़कों ने और दुष्कर्म किया है, सबको अरेस्ट कर लिया गया। ये लोग स्वीपर हैं, उसमें से मेरे हिसाब से तीन लोग हैं वो स्वीपर हैं, इसमें से स्वीपर हैं। वीडियो वायरल किया है उनके विरुद्ध हमने जो धारा लगाई है, धारा जो जिस मुकदमे में वीडियो वायरल किया गया है, इसी पीड़िता का पहचान उजागर करी है और वीडियो वायरल करने के कुछ लोग इसमें अपराधी है, जिसमें 166A जो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध लगाई गई है, 74 किशोर न्याय अधिनियम और 66 IT एक्ट लगाया गया है। इसमें 21 और 23 पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है इन लोगों के खिलाफ। इसमें तीन पब्लिक के लोग हैं जिन्होंने वीडियो वायरल किया है और दो पुलिस के लोग हैं। इन सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर जो कार्रवाई की पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जी, कितने लोग? दो लोगों के खिलाफ।